पांच सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर सभी विभाग से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन जिला स्तरीय हड़ताल का आगाज कर दिया, जिसे पहली बार प्रदेश भर के डॉक्टर, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के साथ हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर सभी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। इस मौके पर स्वास्थ्य फेडरेशन के पदाधिकारी डॉक्टर इकबाल हुसैन एवं टारजन गुप्ता ने बताया कि राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर एकजुट हुए हैं और पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर शहरी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की सेवाएँ प्रभावित हो रही है। साथ ही शासकीय चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी के साथ पोस्टमार्टम, एमएलसी जैसे अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ आईपीडी वार्ड में भर्ती मरीजों को मिलने वाली नर्सिंग सेवा भी नर्सिंग कैडर के हड़ताल से प्रभावित हो रही है। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के हड़ताल से टीकाकरण, प्रसव, मिशन इंद्रधनुष और शिशु संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विगत सालों में हमने भी 2022 में 11 दिवस का आंदोलन किया था और 11 अगस्त को एक दिवस का आंदोलन किया था, लेकिन हमारी बातों को सरकार हमेशा उपेक्षित करते आई है। इसलिए हम आज जिला स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर पांच सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हमारे साथ में कुल 12 संगठन हेल्थ फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। 12 संगठन शामिल हैं इसमें डॉक्टर एसोसिएशन, सीडा के नर्सिंग एसोसिएशन शामिल हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक संघ शामिल है और डेंटल सर्जन है, वाहन चालक हैं, ये सारे संगठन हमारे साथ शामिल होकर और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भी शामिल है। सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं। आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी बातों को अगर अनदेखी की जाती है तो कल हम जिला स्तर पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे रैली निकाल करके। तब भी हमारी बातों को अनदेखी की जाती है तो हम प्रांत स्तर पे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांग सर शासन से वेतन विसंगति से संबंधित है सर, और वेतन विसंगति में स्वास्थ्य संयोजक है, स्टाफ नर्स है, डॉक्टर्स है, उनका स्टाफेंड है, और जो दूसरी हमारी मांग है सर वो कोविड इंसेंटिव है। कोविड इंसेंटिव सर अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है सर, जबकि ऊपर से मिला है पैसा लेकिन जिला स्तर पे वितरित नहीं हुआ है कहीं पे। और एक मांग है सर, शासन के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था सर कोविड भत्ता के लिए, उन्होंने मीडिया में आके घोषणा किया था कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनको कोविड भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सर उस मांग पे ध्यान नहीं दिया गया है सर। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लें और इस मांग को पूरा करें। और IPHS के अंतर्गत सर विभाग में सर बहुत सारे काम बढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हैं बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से सर डॉक्टरों की संख्या और कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। तो हम चाहते हैं सर स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि लोड कम पड़े काम का किसी एक कर्मचारी के ऊपर में। लगभग सर 400 से 500 कर्मचारी हैं सर पूरे जिले में, जी पूरे उसमें 400 500 सर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।